नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमने जो वीडियो शुरू किया है वो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, और इस सीरीज में हमने सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन, उसका व्यापार पतन को देखा। उसके बाद के वीडियो में मैंने टच के आगमन, व्यापार और पतन को देखा, और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अंग्रेज के बारे में है कि अंग्रेज भारत में कैसे आया। और दोस्तों मुख्यतः हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि अंग्रेज ही हमारे भारत पे जो शासन किए हैं, और इसके कारण जो स्वतंत्रता संग्राम है, ये पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जो इस समय कोरोना का काल चल रहा है उसमें आप लोग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूर मास्क लगाते होंगे, और घर से बाहर बेवजह ना निकले। जब भी निकले तो मास्क लगा के निकले, समय समय पे हाथ को धोए और सामाजिक दूरी को बनाए रखिए, क्योंकि इस कोरोना को हराने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, और तभी हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और क्या प्रेरणा थी अंग्रेज को भारत में आने का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट वाइट लिखे हैं जो मुख्य कारण है अंग्रेज को भारत में आने का। आप कोशिश कीजिए कि जितने भी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए, आपका नोट भी तैयार हो जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं, जैसे कि पिछले प्रीवियस वीडियो में मैं पुर्तगाली और डच के बारे में बताया था, और आज मैं अंग्रेज के बारे में कुछ बताऊंगा आगमन के बारे में, तो मैं ये तीनों वीडियो से रिलेटेड मैं तीन क्वेश्चंस आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे मुझे ये पता चले कि आप वीडियो को कितने ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं। और अगर ये नोट्स आप तैयार करते चलेंगे तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, और आपको कभी भी किसी चीज का अगर डाउट होगा तो आप उस नोट्स से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं होता है डाउट्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए डॉट को, मैं आप कोशिश करूंगा आपके डॉट्स को क्लियर करने का। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, रोचक होने वाला है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि अंग्रेज भारत में कैसे आया। जो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज से पहले पुर्तगाली व्यापारी, और उसके 100 साल के बाद करीब करीब डच के व्यापारी भारत में आए, और भारत से वस्तु लेकर के यूरोप जाते थे, यूरोप में उसको बेचते थे तो काफी मुनाफा कमाते थे, और मुनाफा जो कमाते थे तो उसको देखते हुए उस समय अंग्रेज जो थे वो सभी शक्ति, यूरोपीय शक्तियों में सबसे आगे निकल गए थे। तो उसको देखते हुए अंग्रेज को भी लगा कि हमें भी भारत की तरफ और एशियाई बाजारों की तरफ रुख करना चाहिए। तो यही पॉइंट को मैंने पहले में लिखा है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक एशियाई वस्तुओं को यूरोप में पहुंचना जो मुख्य कारण था, और उससे मुनाफा कमाना, पुर्तगालियों और डचों द्वारा जो मुनाफा कमाया जा रहा था उसी को देखते हुए मुनाफा के लालसा में अंग्रेज भारत की तरफ आने को सोचने लगे। दूसरा जो कारण था वो था एक यात्री, अंग्रेज यात्री ड्रेक था, उसमें उसने पूरे विश्व का यात्रा किया था, और विश्व के यात्रा में उसने भारत के और एशियाई बाजारों का जो संपदा है उसके बारे में और वहां के लोगों के व्यापार के बारे में अपने एक वर्णन में लिखा था, जिससे देखकर के अंग्रेज जो थे और अंग्रेज व्यापारी काफी प्रभावित हुए। ठीक है, और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शक्तिशाली स्पेनी आर्मडा पर अंग्रेजों का विजय, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो पुर्तगाली और स्पेन उस समय 1580 के आसपास संयुक्त रूप में था, और पुर्तगालियों का व्यापार का वर्चस्व इधर हिंद महासागर में बहुत ज्यादा था, तो उस समय अंग्रेज का 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज का उस स्पेन पे जो विजय था, उसको विजय जो अंग्रेज को प्रोत्साहित किया कि चलिए हम वहां पे जा सकते हैं और पुर्तगालियों से टक्कर ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो कारण था अंग्रेजों का भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप का समझ, जिसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लेना। और जितने भी यूरोपीय देश आए, यूरोपीय शक्ति भारत में आए और अंग्रेज जो कंपनियां आई, तो उन सबों में अंग्रेज का जो भारत का व्यापार है या एशियाई देशों का जो व्यापार है उसका समझ बहुत अच्छा था। वो किस तरह से यहाँ का लोग व्यापार और किस तरह की वस्तु को यहाँ का लोग चाहते थे और यहाँ से कौन सा वस्तु ले जाना है, वो समझ अंग्रेजों में इन देशों से ज्यादा था, और वो उसके लिए उसने सैनिक और राजनीतिक शक्ति का भी सहारा लिया, जिसमें वो अन्य यूरोपीय देशों से काफी ज्यादा शक्तिशाली था।
चौथा जो कारण हम देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक विकास का होना और डिमांड एंड सप्लाई में संतुलन से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करना, ये सबसे मुख्य कारण है दोस्तों कि अंग्रेज में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी और औद्योगिक उद्योगों का बहुत ज्यादा व्यापक रूप से विकास हो रहा था। और जब विकास हो रहा था तो उसके लिए कच्चे मालों की जरूरत होती थी और तैयार मालों को बेचने की भी जरूरत होती थी। तो अब वहां पे जो डिमांड और सप्लाई में जो बैलेंस था, तो उसे देखते हुए जो अंग्रेज का व्यापारी थे या निवेशक समूह थे वो पूंजी लगाने के लिए उत्साहित रहते थे कि अगर कहीं पे व्यापार हो, अगर कहीं विदेशों में व्यापार हो तो वो पूंजी लगाने में हिचकिचाते नहीं थे और खुले मन से पूंजी लगाते थे, जिससे कि उनका जो उनके कंपनियों का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती थी। इसके कारण से ये एक बहुत ही मुख्य पॉइंट था अंग्रेजों को और यूरोपीय शक्ति से आगे बढ़ने में। और लास्ट में 1599 में एक अंग्रेज व्यापारी, इसी को देखते हुए सबसे पहले जो 1599 में एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम था मिल्डेनहॉर, क्या नाम था, मिल्डेनहॉर, भारत में आ गया और भारत में आ करके वो कुछ सामान खरीद करके जब वो अंग्रेज इंग्लैंड में लौटा तो उसको काफी मुनाफा हुआ। इसी को देखते हुए वहां के व्यापारी और वहां के सरकार सोचा कि क्यों ना हमें एक कंपनी की स्थापना की जाए। और उस समय की जो महारानी थी अंग्रेज की, महारानी एलिजाबेथ, उसने एक कंपनी का स्थापना किया और फिर उसको पूरब के देशों में व्यापार करने की अनुमति दी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कैसे हुआ और महारानी एलिजाबेथ उसको कैसे उसका निर्माण किया। ठीक है, तो कंपनी के निर्माण के संबंध में अगर बात करें तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर से द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी, क्या नाम था दोस्तों, द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज का निर्माण हुआ, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना गया या उसका नाम को चेंज कर दिया गया। अब जैसा कि आप ये नाम देख रहे हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, मतलब उस कंपनी में गवर्नर का भी पैसा लगा था और जो इंडिपेंडेंट कंपनियां थी उस जो शेयर धारक थे उसका भी पैसा लगा हुआ था, निवेशकों का भी पैसा लगा था और दोनों को ये ज्वाइंट कंपनियां थी जिसके तहत ये कंपनी का निर्माण किया गया था, जिसको 1833 के एक्ट, चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। शुरू में इनको 15 वर्ष के लिए पूरब में अधिकार करने का अनुमति दिया गया था, लेकिन 1609 ईस्वी में नवीन चार्टर निकाला गया और उसको अनिश्चित काल के लिए उस अनुमति को, उस अधिकार को बढ़ा दिया गया कि आप अनिश्चित काल के लिए भी व्यापार कर सके, क्योंकि उसको इतना मुनाफा आने लग गया जिससे लगा कि इस कंपनी को चलते रहना चाहिए। तो यही दूसरा पॉइंट लिखा है कि शुरू में 15 वर्षों के लिए तथा बाद में 1609 में नवीन चार्टर द्वारा अनिश्चित काल के लिए इस कंपनी के अधिकार को पूरब के क्षेत्र में अधिकार व्यापार करने के लिए बढ़ा दिया गया। इनमें 24 निवेशकों का समूह था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाम ही आपको बताया कि जो निवेशकों का जो समूह था उसमें 24 निवेशकों का समूह था जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स के आम सभा से होता था। जो 24 निवेशक का जो समूह उसने बना रखा था कंपनी में, उस 24 निवेशकों का जो चुनाव होता था उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते थे उसका साल में एक बार आम सभा गठित होता था और उसी आम सभा से उस 24 निवेशकों के समूह का चुनाव किया जाता था और उसमें गवर्नमेंट का भी, गवर्नर का भी जो पूंजी रहता था उसमें निवेश किया जाता था। शुरू शुरू में क्या होता था, उस कंपनी क्या करते थे कि शुरुआत में व्यापारी का एक स्वतंत्र बेरा भेजा जाता था और जो भी आपस में लाभ होते थे वो बांट लेते थे और शुरू में वो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में नहीं पड़ा डच कंपनी और पुर्तगालियों की तरह। शुरू में वो अपने कंपनी को सबसे पहले सोचा कि किस तरह से वो हिंद महासागर के क्षेत्र में या पूर्वी एशियाई देशों के क्षेत्र में कंपनी को स्थापित किया जाए, तो वो सबसे पहले जो केंद्रित किया था अपना ध्यान अंग्रेज वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में मसालों पर ध्यान केंद्रित किया था और बाद में उसका ध्यान भारत के कपड़ों की तरफ गया कि नहीं, भारत के कपड़ों को भी हमें आयात और निर्यात करना चाहिए जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। तो यही लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि शुरू में इंडोनेशिया के क्षेत्र में उसने मसालों के व्यापार पे ध्यान केंद्रित किया, फिर उसका ध्यान भारत के कपड़ों की ओर गया और सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई।
अब देखिए दोस्तों, क्योंकि पुर्तगाली 1498 में आ गया था, उसके बाद 1595-96 में डच आ गया था 100 साल बाद, तो उस समय पुर्तगाली 100 साल कर चुका था और डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था वो पुर्तगाली से संघर्ष कर रहा था, पुर्तगाली और डच के बीच में संघर्ष चल रहा था, एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई के समय। उस समय में अंग्रेजों का पदार्पण होता था हुआ और उस समय अंग्रेज सोचा कि अगर हम जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस समय ज्यादा शक्तिशाली थी और उसके तुलना में अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पूंजी भी कम थी, वो छोटी थी, तो पुर्तगालियों से बचने के लिए या पुर्तगालियों पे को बाहर निकालने के लिए वो डच के साथ मिल गए और फिर दोनों मिल करके पुर्तगाली को बाहर निकालने की कोशिश में लग गए और पुर्तगालियों पे प्रहार करने लग गए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि सूरत में पहली फैक्ट्री उसकी कैसे खुली या और कहां खुली, क्योंकि क्वेश्चन आता है कभी कभी, बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेज का पहली फैक्ट्री सूरत में खुली या मसूलीपट्टनम में, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहां पे देखेंगे। तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के कारखाना खोलने की बात करें तो 1603 में एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम इंग्लैंड के शासक बनते हैं और वो कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में फैक्ट्री खोलने के लिए, सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए और अंग्रेज कंपनी की जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके व्यापार में रियायत पाने के लिए वो मुगल दरबार में कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं। तो ये मैंने लिखा कि 1603 में एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम शासक बनते हैं और वो कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में व्यापार में रियायत और कारखाने खोलने की अनुमति के लिए भेजते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि वो सूरत में कपड़ों की फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे, तो इसीलिए वो सूरत में फैक्ट्री खोलने के विचार से वो जो जेम्स प्रथम थे मुगल दरबार में 1603 में उसको भेजा और वो ये सोच के भेजा कि उस 1605 में अकबर शासन कर रहा था, मुगल का शासक अकबर था, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और तो उसके बाद जहांगीर शासक बन जाता है। तो जो पहुंचता है आगरा में तो 1608 ईस्वी में वो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। और मैंने पुर्तगालियों का जो वीडियो था प्रीवियस लेक्चर, उसमें बताया था कि जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने के लिए मुगल दरबार में पहुंचते हैं तो पुर्तगाली में ये बहुत कोशिश करते हैं कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर से ना मिल पाए और उसे कोई भी व्यापार में रियायत ना मिले, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं और कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर से मुलाकात करते हैं। जब वो मुलाकात करते हैं तो अपने साथ 25,000 सोने के जो सोने के बराबर जो उपहार लाते हैं उसको पाकर के जो जहांगीर है वो खुश हो जाते हैं। ये सारी चीज मैंने पुर्तगाली की वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए आप पहले नहीं देखे हैं वो वीडियो तो पहले आप पुर्तगालियों के रिलेटेड वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इससे कॉमन है और इसको समझने के लिए आपको वो जरूरत होगी। उसी तरह डच के संबंध में भी है, तो पहले आप डच देखिए, पुर्तगाली देखिए, फिर डच देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री के में पुर्तगालियों और डच के इतिहास के बारे में भी देख सकते हैं। तो जहांगीर जो है कैप्टन हॉकिंस से उपहार पाकर खुश हो जाते हैं और उसके उसको अपने दरबार में 30,000 के वेतन पे और 400 मनसबदार पे नियुक्त कर लेते हैं, अपने पास नौकरी में रख लेते हैं और कैप्टन हॉकिंस वहां पे रहकर अंग्रेजों के लिए रियायत प्राप्त करते रहते हैं। और वो शुरू में तो सूरत के लिए भी और मसूलीपट्टनम के लिए, सूरत देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ एक पिक्चर भारत का, दक्षिण भारत का पिक्चर ड्रॉ किया है, सूरत जो कि गुजरात के क्षेत्र में है या मसूलीपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, वहां पे वो फैक्ट्री खोलने की अनुमति पा लेते हैं। लेकिन ये अनुमति जैसे वो पाते हैं तो पुर्तगाली का जो संबंध जहांगीर से अच्छे थे उसमें थोड़ी सी खलबली सी मच जाती है और जो पुर्तगाली वासराय गोवा के जो वासराय जॉन मेंडेसा थे वो जहांगीर से नाराज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे अधिकार का यह अतिक्रमण है। इसके कारण से वो पुर्तगाल जो जहांगीर अपने एक दोस्त मुबारक खान को जॉन मेंडेसा के पास भेजते हैं कि आप जाइए उससे बातचीत कीजिए, तो वो मना कर देते हैं और फिर पुर्तगाली और मुगलों में युद्ध की स्थिति बन जाती है। फिर उसको देखते हुए जॉन मेंडेसा ने फादर पिनेरो को मुबारक खान से मुलाकात करने की अनुमति देती है। जब वो मुलाकात हो जाती है तो उसमें संधि हो जाती है और मुगल और पुर्तगालियों के बीच की शत्रुता समाप्त हो जाती है। तो जो शुरू में सूरत में और मसूलीपट्टनम में उसको फैक्ट्री खोलने का जो
फरमान मिल गया था जहांगीर से, उसमें थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो जाता है और जहांगीर जो है वो सूरत में उसके काम को, अंग्रेजों के फैक्ट्री बनने को काम को रोक देते हैं। उसी बीच में क्या होता है कि मसूलीपट्टनम में 1611 में उसकी दूसरी फैक्ट्री बनके तैयार हो जाती है, लेकिन तब तक 1608 वाली जो फैक्ट्री थी, जो पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्टार्ट हुई थी, वो नहीं बनी थी क्योंकि उस समय सूरत में जहांगीर ने उसको रोक लगा दिया था। ठीक है, और इसको देखते हुए क्या हुआ कि कैप्टन हॉकिंस दुखी होकर के 1611 ईस्वी में जहांगीर का दरबार को छोड़ देते हैं। तो यही लिखा कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं तथा वो 1611 तक रहते हैं। और उसके बाद क्या है कि 1612 में जब वो चले जाते हैं तो पुर्तगाली क्या करते हैं, फिर से भारतीय जहाजों पे कर वसूलने लगते हैं, भारतीय जहाजों को लूटने लग जाते हैं और अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में जब अंग्रेजों का, जो अंग्रेज ने पुर्तगालियों पे विजय प्राप्त की थी, उसको देखते हुए जहांगीर बहुत प्रभावित हुए और फिर 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेज को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। तो इस तरह से अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में बनके शुरू तैयार हो गई, और उसकी जो दूसरी फैक्ट्री जो इससे बाद में काम शुरू हुआ था मसूलीपट्टनम में, वो 1611 में ही बनके तैयार हो गया था। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1613 में कहाँ पे स्थापित हुई, तो जवाब होगा कि सूरत में, क्योंकि काम, पहली फैक्ट्री का काम यहीं पे शुरू हुआ था, लेकिन दूसरी फैक्ट्री जो पहले बन के तैयार हो गई वो उस मसूलीपट्टनम में थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी या सूरत में थी। तो क्वेश्चन को पढ़ के उसके हिसाब से आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, फिर जब 1611 में कैप्टन हॉकिंस चले जाते हैं, फिर बाद में सर थॉमस रो आते हैं जहांगीर के दरबार में, और सर थॉमस रो 1615 से लेकर के 1609 ईस्वी में आते हैं। वो भी इसी उद्देश्य से आते हैं कि अंग्रेजों का कारखाना भारत में ज्यादा से ज्यादा जगह पे खुले और उसको ज्यादा से ज्यादा रियायत मिले, टैक्स में रियायत मिले। तो इसी क्रम में जहांगीर जो है उसको आगरा में, अहमदाबाद में, भरूच में कारखाना खोलने की अनुमति दे देते हैं। और उसके साथ साथ उनका जो अंग्रेजों का संघर्ष पुर्तगालियों के साथ चलता रहता है, और शुरू में वो मैंने बताया है आपको कि अंग्रेज जो है वो डच के साथ मिल जाते हैं, डच के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं और डच और पुर्तगाली दोनों मिलकर पुर्तगालियों के जहाज को लूटते रहते हैं ताकि पुर्तगाली कमजोर होते इससे चला गया। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने भारतीय जहाज पे भी कर वसूलना जारी रखा। जो थॉमस रो हैं वो ऐसा रियायत उनसे जहांगीर से पा लिए थे जिससे वो भारतीय जहाजों से भी कर वसूला करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में वो अपने कंपनी का भारत में विस्तार और अपने व्यापार का विस्तार करते चले गए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि और कैसे कैसे अंग्रेजों का कंपनी का व्यापार का विस्तार और कारखाने का विस्तार भारत में हुआ, और कैसे वो अपने प्रतिद्वंदी पुर्तगाली को और फिर बाद में डच को, जब वो लगा कि पुर्तगाली अब टूट गए हैं और डच हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में आ गए, तो फिर वो डच से हटके पुर्तगाली से मिल गए और फिर पुर्तगाली और अंग्रेज मिलकर डच को सफाया कर दिया, और इस तरह से एकमात्र शक्ति अंग्रेज बनके भारत में रह गई। तो आइए देखते हैं कि अंग्रेजों की कंपनी का विस्तार के बारे में। तो अंग्रेज का व्यापारिक विस्तार की अगर बात करें तो एक बार फिर से उसने 1620 ईस्वी में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पे विजय प्राप्त कर ली और पुर्तगाली को पछाड़ते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट है 1625 ईस्वी तक उसने अपने जितने भी कारखाने खोले थे, चाहे सूरत में हो, मसूलीपट्टनम में हो, आगरा में हो, अहमदाबाद में हो, भरूच में हो, जितने भी अपने फैक्ट्री खोले थे 1625 आते तक उस सारे कारखानों की उसने किलेबंदी कर ली ताकि वो सुरक्षित हो जाए, अपने कारखाने को सुरक्षित कर ले। और उसके बाद उस समय क्या था कि मुगल शासक और डच में टकराव हो रहा था उत्तर भारत में, तो उसने सोचा कि डच और मुगलों में जो टकराव हो रहा है उससे बचने के लिए वो अपना ध्यान जो है वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में केंद्रित किया। और दक्षिण भारत वैसे ही प्रायद्वीपीय भारत है जहां पे समुद्री तटीय इलाका है और वहां से बिजनेस और नौसेना को संचालन करने में ज्यादा आसान होती है, इसीलिए उसने दक्षिण भारत पे ध्यान केंद्रित किया और दक्षिण भारत में अवश्य एक स्ट्रेटजी के तहत वो अपना अधिकार कायम करते चला गया, जिसमें पहला पॉइंट है कि 1622 ईस्वी में इसने ओमोर्जपुर पे कब्जा कर लिया और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी विजय थी। 1639 ईस्वी में स्थानीय राजा
मद्रास के स्थानीय राजा से मद्रास को लीज पे ले लिया उसने, और जिसके बदले उसने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया, और उसके बदले उसने क्या किया कि मद्रास में अपने किलेबंदी भी करा ली, किलेबंदी कराई और अपना सिक्का जारी करने का जो अंग्रेजी सिक्का था वो मद्रास में जारी करने की उसने अनुमति ले ली। उसके बाद 1640 ईस्वी तक उसने क्या किया, 1639 में लीज पे लिया था, और 1640 ईस्वी में विजयनगर का जो शासक के जो प्रतिनिधि थे चंद्रागिरी, जिसके अंडर में मद्रास आता था, उसको उससे उसने क्या किया, अंग्रेजों ने मद्रास को छीन लिया और छीन करके मद्रास में एक किले का निर्माण किया जो कि सेंट जॉर्ज किले के रूप में विख्यात हुआ। ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट किला है, इसको आप याद रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1640 ईस्वी में मद्रास में उसने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया और उसके अंदर उसने अपनी एक कारखाना खोल ली। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय तक फिर क्या हुआ कि डचों के साथ अंग्रेज की शत्रुता बढ़ती चली गई, और पुर्तगाली चूंकि डच ने पुर्तगाली को खदेड़ दिया था और डच आगे बढ़ गए थे, तो उस समय डच जो है अंग्रेजों के टक्कर में आ गए थे, तो अंग्रेज अब व्यापारिक लालसा के कारण डचों में और अंग्रेजों में एक शत्रुता की स्थिति बन गई और डचों के आपस में संघर्ष होने लगे, जिससे क्या हुआ कि फिर अंग्रेज जो है वो पुर्तगाली के नजदीक हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इन्हें कि 1652-54 में अंग्रेज और डच की शत्रुता बढ़ गई और वे पुर्तगाली को नजदीक आ गए, तो पुर्तगाली का नजदीक हो गया तो क्या हुआ उससे, आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि कैसे हुआ। तो जब अंग्रेज पुर्तगालियों के नजदीक आ गए तो एक घटना हुई, क्या थी घटना कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन के साथ होगी, और जो कैथरीन के साथ शादी हुई तो दहेज के स्वरूप में जो राजा को राजकुमार चार्ल्स को बंबई का भारत में बंबई का क्षेत्र उसको मिल गया, और फिर जो चार्ल्स द्वितीय था वो क्या किया 1668 ईस्वी में मात्र 10 पौंड के वार्षिक किराए पे उस बंबई क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। अब क्या हुआ तो जैसे ही बंबई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आया, उसने अपने जो मुख्यालय था सूरत में, पहले कंपनी का मुख्यालय जो सूरत में स्थित था, 1687 ईस्वी में इसने क्या किया अपना सूरत से मुख्यालय बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि अंग्रेज का जो व्यापार का लालसा था वो बढ़ते चला गया और भारत में, और उस दूसरी शक्ति पिछड़ते चली गई, अब मद्रास के क्षेत्रों में उनका कब्जा हो गया, बॉम्बे के क्षेत्र भी उसके अधिकार के अंतर्गत आ गए। अब उसी क्रम में कंपनी का जो प्रशासन बहुत ही अनुभवी व्यक्ति के हाथों में आते गया और अंग्रेज का जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो आगे बढ़ती चली गई, और इसी क्रम में सर जॉन चाइल्ड आया जिसके हाथ में कंपनी का नेतृत्व आया, और उसका ध्यान हुगली के क्षेत्रों में कोलकाता के क्षेत्रों में गया कि वो देखा कि जब मद्रास और बम्बई हमारे हाथ में आ गया तो क्यों ना हम हुगली के क्षेत्र में अधिकार कर लें। तो उस समय हुगली के क्षेत्रों पे मुगल शासकों का कैप्चर था, तो हुगली क्षेत्रों पे अधिकार करने के लिए सर जॉन चाइल्ड ने एक योजना बनाने लगे, तो वो हुगली क्षेत्र का अधिकार और उस अंग्रेज के साथ औरंगजेब के साथ, उस समय जो मुगल शासक औरंगजेब था उसके साथ उसका संघर्ष को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि कैसे वो हुगली के क्षेत्र में और कोलकाता के क्षेत्र में अपने व्यापार का विस्तार किया और पूर्वी भारत के क्षेत्र में व्यापार का विस्तार किया और कैसे कैसे अपनी शक्ति को वो बढ़ाते चले गए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको जो मैंने बताया है उसके रिलेटेड, और पिछले दो वीडियो में जो मैंने आपने बताया है उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा, तो मैं आज का क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जिससे मुझे ये पता चले कि आप वीडियो कितने अच्छे से देखते हैं और कितने अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपना ख्याल जरूर रखिए, कोरोना से लड़ना है और मास्क को हमेशा लगा के रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कि भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन था, ऑप्शन ए वास्को डिगामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्तोलोमियो डियाज, डी जॉर्ज ऑक्सटन। ठीक है, उसके साथ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्थापित की है या किसने चलाई थी, ये भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा देखिएगा कि किसने स्थापित की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डेनिश। क्वेश्चन थ्री है किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, अकबर, जहांगीर,
शाहजहां या डी में औरंगजेब। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे वीडियो पुर्तगाली, डच और आज का जो वीडियो है अंग्रेज के बारे में, इस तीनों को आपको देखने से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय दोस्तों।